देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 7,745 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और एक दिन में ये सबसे ज्यादा दर्ज पॉजिटिव केस की संख्या है। बढ़ते प्रदूषण और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली के अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ते पॉजिटिव रेट पर कहा है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, काफी सख्ती कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मास्क पहनने के महत्व को दोहराया। जैन ने कहा कि कई लोग खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है, बाजार में कई जगहों पर भीड़ भाड़ होती है, कई कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति भी बिगड़ रही है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है और गाइडलाइंस का पालन करने में लापरवाही के कारण कोरोना के मामलों में उछाल आया है। इस वक्त देश की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 85 लाख के पार हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 559 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।